कॉन्फ्रेंस रखे हुए थे वो हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया आदरणीय अताउर रहमान चचा जी और सप्ता पंचायत के पूर्व मुखिया राम सोगारस चचा जी जो हमारे पिता तुल्य हैं और भच्छी पंचायत के पूर्व मुखिया श्रीमती ज्योति रानी, सभी लोगों ने आशीर्वाद तो हमको पूर्व से दिया था और आज के बाद अपने 100% समर्थन दे के मधुबनी के नगर निगम के चुनाव में जनता के हित में लोगों से जो एक हम नौजवान जो हैं जो सही रूप में काम करना चाहते हैं उसके लिए आगाह करने आए हैं। सबसे पहले इन सभी गार्जियन को हमारे तरफ से हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करते हैं और वचन देते हैं कि एक पिता तुल सभी लोग ने हमको आशीर्वाद जो दिया है, इस आशीर्वाद को हम आने वाले भविष्य में कभी गिरने नहीं देंगे और अपने मेहनत कर्म के बलबूते नगर निगम चुनाव में इन सभी लोगों का, मधुबनी नगर निगम के समस्त जनता का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सर, ये जो समर्थन है, इस समर्थन को आप कहाँ देख रहे हैं? रिजल्ट में कैसे ये चीज़ कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है? एकदम रिजल्ट में कन्वर्ट होते दिख रहा है, क्योंकि हमारा जितना उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उम्र से जो हमारे चचा जी अपने समाज के लिए आदरणीय चचा जी जो करते आए हैं, एक गरीब शोषित वंचित के लिए जनता सभी चीज़ को देख रही है और चचा के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से जनता एकदम हमको मौका देगी। सर, ये सभी समाज के जन प्रतिनिधि जो बहुत दिन से समाज को लेकर के आ रहे हैं उनके बीच में आप है, यहाँ से आप मधुबनी के नगर निगम के मतदातागण को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मधुबनी नगर निगम के समस्त मतदाता को कहेंगे कि जाति धर्म टोला मोहल्ला से उठ के जिसका व्यक्तित्व बढ़िया हो, जो युवा हो, जो काम कर सके, उन जैसे लोगों को मौका देना चाहिए, न कि धनबल वाले लोग को मौका देना चाहिए। हम नौजवान आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने अपने शरीर से बहुत सारे नेता जो रहते हैं वो अपने कर्म के बलबूते कहीं ना कहीं जनता का खून चूसना जानते हैं, लेकिन एकमात्र हम वो लड़के हैं जिन्होंने अपने शरीर से 25 बार रक्तदान करके किन्हीं न किन्हीं लोगों की हमने जान बचाई है और हम नौजवान आदमी हैं। जनता हमको एक बार मौका दे, हम जनता से वादा करते हैं कि हम आने वाले दिन में जो मधुबनी का एक पुराना इतिहास रहा है, जो देश में एक इतिहास रहा, उस इतिहास को बरकरार रखने का हम काम करेंगे और अपने कर्म के बलबूते मधुबनी नगर निगम में नया इतिहास बनाएंगे। एक बार हमको जनता मौका दे। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से आई बात के लेल जे जतेक डिप्टी मेयर के उम्मीदवार छै ओहि सब के निश्चित रूप से बायोडाटा लिया जे समाज के सेवा के भावना छै या व्यवसाय के भावना छै। अगर सेवा के भावना छै तो कम से कम अहाँ सब आई बात के निश्चित रूप से जान लिया जे स्वच्छ छवि और भक्ति के जे उम्मीदवार है अहाँ के जे लड़का जे उम्मीदवार है वो स्वच्छ छवि के और स्वच्छता और लोग नजदीकी के एतबार से इनकर मान सम्मान करे, हम सब आशीर्वाद सहृदय दिलियन।